गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आज के इस मॉड्यूल फर्स्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक भूगोल से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो हमारी नेशनलिटी से जुड़ा हुआ है और हमारे अंतरात्मा से जुड़ा हुआ विषय है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे अपने भारत के बारे में। और किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसने ये शब्द जरूर सुना है और उसी के साथ सुना है भारत की भूगोल, भारत के भौगोलिक अवस्था के बारे में। लेकिन हम आज जहाँ से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे वो भूगोल और इससे संबंधित ज़्यादा चीज़ों से अपने आप को रिलेट करते हुए पाया जाएगा। इस आज के इस मॉड्यूल वन में हम जिन जिन टॉपिक को एक एक करके लेंगे वो टॉपिक हमारे सामने है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, भारत की स्थिति कहाँ है। उससे पहले स्थिति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, किस अवस्था में हम कहेंगे कि स्थिति कहाँ पर है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, क्योंकि हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस को लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स में बताते हैं, इसलिए हम सबसे पहले उन दो बेसिस को जानेंगे जिसके आधार पर हम इसकी स्थिति को आगे बताएंगे। तीसरे नंबर पर है एब्सोल्यूट लोकेशन और चौथे नंबर पर है रिलेटिव लोकेशन। ये क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस आज के इस मॉड्यूल में जितना पार्ट हमने पढ़ा है उस दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में तो आते ही हैं, उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो बिना किसी समय गवाए हम सीधे हमारे पॉइंट पर आते हैं और वो हमारा टॉपिक है लोकेशन। वेल, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर की लोकेशन क्या है तो आप एक एड्रेस बताते हैं। और एड्रेस क्या होता है? एड्रेस में आप गली, मोहल्ला, मकान नंबर, शहर का नाम, सिटी और उसके बाद में आप उसका पिन कोड वगैरह देते हैं। तो ये हो गया आपके घर की लोकेशन। लेकिन जब हमें पूरे ग्लोब के ऊपर यानी पूरे के पूरी पृथ्वी के ऊपर हमें किसी स्थिति के बारे में, किसी जगह के बारे में बताना होता है तो हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके आधार पर हम उस लोकेशन को बता सकें और उसी आधार पर किसी ग्लोब पर उसकी स्थिति कहाँ है उस आधार पर स्थिति बताने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव, यानी निरपेक्ष रूप से बताया जा सके कि उसकी स्थिति ये है। जैसे अगर आप अपने गली और मोहल्ले का नाम बताते हैं और साथ ही अपने मकान नंबर बताते हैं तो वो आपका एब्सोल्यूट लोकेशन हो गया आपके घर की, और उस एड्रेस का, उस पॉइंट का कोई दूसरा जगह नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी स्थिति ये बनती है कि रिलेटिव लोकेशन, जैसे कि हम जनरली कई बार बताते भी हैं, जैसे उस बड़े से मॉल के पीछे, तो ऐसे में हम क्या बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकेशन नहीं बता रहे, हम एक जगह नहीं बता रहे, बल्कि हम क्या बता रहे हैं, हम किसी दूसरी बड़ी जगह के संदर्भ में अपनी जगह को बताते हैं। तो हम यहाँ पर भारत के बारे में, दोनों भारत की स्थिति के बारे में, दोनों ही अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन बताने के लिए हमारे पास में यहाँ पिन कोड नहीं है, हमारे पास में यहाँ लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स नहीं है, हमारे पास में यहाँ लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। अब वो क्या होते हैं धीरे धीरे बात करते हैं। ये जो लाइंस आप इस ग्लोब, इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये इस ग्लोब के ऊपर लाइंस हैं और ये लाइन इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं बनी हुई हैं इन रेखाओं का धरातल के ऊपर अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम चूँकि जब अध्ययन में पूरा ग्लोब काम में लेते हैं तो वहाँ पर स्थिति निर्धारण और उसके साथ साथ अन्य भौगोलिक गतिविधियों को बताने के लिए इन रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? वो समस्त काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब की सतह के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इन डेफिनेशंस को हम जब बहुत छोटे रहे थे तो इनको हमने इस तरह से लिया, लेकिन धीरे धीरे हम इनको थोड़ा सा और रिफाइन वे से आएंगे। हम बात करेंगे कि आखिर ये रेखा
हम उस मैकेनिज्म के ऊपर भी आएंगे। पहली चीज जो आपको समझनी वो क्या है, सपोज ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर पूरब से पश्चिम पूरा का पूरा एक वृत्त बनता है, ये पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा बनेगी उस रेखा को हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे। दूसरी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या है कि जैसे जैसे हम ये अक्षांश रेखाएं बनाते जाते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ हमारी जो अक्षांश रेखा बनती है वो एक बिंदु के रूप में होती है, और उसी बिंदु को हम चूंकि ये उत्तर की तरफ है इसलिए हमने इसको नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहा, और उसी के सापेक्ष नीचे की तरफ जो बिंदु बनता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से सतह के ऊपर से रेखाओं के द्वारा मिलाया जाता है तो इस तरह से बनने वाली समस्त रेखाएं लॉन्जिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक छोटे से डायग्राम में हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, अगर इस ग्लोब को ठीक बीच में से काटते हुए मैं एक रेखा बना देती हूँ तो ये हमारी रेखा हो जाएगी 0 डिग्री की रेखा। अभी तक हम इसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने जब डी पॉइंट डी अपने काम में लिया होगा तो आपने यह देखा होगा यहाँ 0 डिग्री का एंगल होता है या 90 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होता है, तो आप ये मान के चले कि ये हमारा एक डी हो गया जिससे हमने 0 डिग्री पर मार्क कर दिया। अब जैसे जैसे इसके अंदर एंगल्स बढ़ते जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग एंगल्स बने हुए होते हैं, ये आप काम में आपने सभी ने लिया है। उसी आधार पर हम इसके केंद्र से, केंद्र मतलब अगर ये हमारा ग्लोब है तो हम केंद्र में बात करेंगे इसके सेंटर में, सेंटर से जब हम 10 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कहीं एक धरातल पर आकर के ये मिलेगा 10 डिग्री का कोण, और उसी 10 डिग्री के कोण को अगर मैं इधर बनाऊंगी तो भी बनेगा, इधर बनाऊंगी तो भी बनेगा, तो 10-10 डिग्री के कोणों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी वो हमारी हो जाएगी, यानी यहाँ से हमने 10 डिग्री का एक पॉइंट मिला जो हमने सरफेस पे मार्क कर दिया। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ से भी बनाना चाहूंगी तो 10 डिग्री मेरा यहाँ पे भी बन जाएगा एक पॉइंट, ठीक ऐसे अगर पीछे की तरफ बनाना चाहूंगी तो बन जाएगा। तो इस तरह से 10-10 डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी ठीक पीछे भी ऐसी रेखा बनेगी, तो ये हमारा हो गया 10 डिग्री का लैटिट्यूड। और यही प्रोसेस हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक सेंटर में हम जो बनाएंगे वो हमारा 45 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया, ये 45 डिग्री का बन गया। ठीक सेंटर में लेंगे तो ये हमारा चूंकि एक गोला नहीं बन पाएगा इसलिए हमने इसको एक बिंदु कहा है, और ये हमारा बन गया 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हुई, चूंकि ये उत्तर की तरफ है तो हमने इसको 90 डिग्री नॉर्थ, यानी ये इस रेखा, ये जो रेखा है ये पूरे भूमि के मध्य से गुजर रही है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इसके ऊपर की तरफ वाले गोलार्ध को हम गोलार्ध मतलब इस गोले का आधा हिस्सा उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं सदर्न गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से 0 डिग्री भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में एक पूरे के पूरे ग्लोब को विभाजित करती है। तो हमने ये देखा कि 0 से 90 डिग्री के कोण ऊपर बनता है, 0 से 90 डिग्री का कोण नीचे की तरफ बनता है। तो इस तरह से हमारे पास में ऊपर उत्तर उत्तरी ध्रुव के अंदर 90 अक्षांश बन जाते हैं, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमारे पास में 90 अक्षांश बन जाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश अलग है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, लोकेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक स्थान उपस्थित है और हमें ये कहा जाए कि इस स्थान की अवस्थिति बताओ लैटिट्यूड्स में, क्योंकि हम अभी तक लैटिट्यूड कर रहे हैं तो लैटिट्यूड्स में इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी 45 डिग्री नॉर्थ, ये जरूर हम लिखेंगे क्योंकि ठीक 45 डिग्री नीचे भी होगा पर वो क्या होगा, वो होगा 45 डिग्री साउथ। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग होने की वजह से संख्यात्मक रूप से एक ही जैसे कोण होंगे, लेकिन हम उनके आगे नॉर्थ और साउथ लिख देते हैं इसलिए उनकी लोकेशन अलग अलग हो जाती है। ये हो गया अक्षांश, अक्षांश रेखाएं आप देखेंगे समानांतर होती हैं यानी इनके मध्य की समान दूरी रहती है हमेशा, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, और
सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, क्योंकि गोला है, गोले के सेंटर में सबसे बड़ा वृत्त बनता है, इसलिए अक्षांश रेखा सेंटर वाली सबसे बड़ी होगी। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार कम होता जाता है, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा या जिसको हम कहेंगे बिंदु के रूप में जो होगी वो होगी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया अक्षांश रेखा। अब हम फटाफट आते हैं दक्षिण देशांतर रेखाओं की तरफ। देशांतर रेखा जो होती है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा होती है। इसी डायग्राम में अगर हम बात करें तो हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो बनाए थे उन्हीं को मिलाने वाली रेखाएं इस तरह से पृथ्वी के ऊपर से सतह के ऊपर से आ रही हैं। तो ये हमारी हो गई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। कहीं से भी हमें शुरू करना जरूरी था। हमने ग्रीनविच को जो क्रॉस करने वाली देशांतर रेखा है उसे हमने 0 डिग्री नाम दे दिया, और उसके बाद में इसी तरह से एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी के आधार पर अलग अलग कोण बनाते हुए जब रेखाएं खींची गई तो हमें यहाँ पर अलग अलग कोणों की रेखाएं मिली हैं। यानी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि जब भी हम बात करते हैं कि 15 डिग्री या 20 डिग्री या 40 डिग्री, इसका मतलब हम इन कोणों की बात कर रहे हैं। ये उस एक जगह से कोणीय दूरी के आधार पर ही नापी जाती हैं। हम हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है। आप देखें एक डी यहाँ था, एक डी और मैंने इसके साथ जोड़ दिया, 180 के एंगल यहाँ बन रहे, 180 एंगल यहाँ बन रहे, तो 360 डिग्री के कोण जो है वो एक वृत्त के अंदर बनते हैं। अगर ये पूरा गोला जो होगा ये वृत्त होगा और इसके अंदर हम लाइन एक एक डिग्री के गैप से खींचने जाएंगे तो हमारे पास में 360 टोटल देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए जैसे हमने भूमध्य रेखा का उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश बनाया था ठीक वैसे ही हम 0 डिग्री वाली जो ग्लोब के सामने की तरफ से आती हुई आपको दिखाई दे रही है ठीक वैसी की वैसी, ये सामने से आ रही है ठीक वैसी की वैसी 180 डिग्री पर पीछे जा रही होगी। इस पूरे को हमने नाम दे दिया पार्टीशन लाइन, और इस पार्टीशन की वजह से हमने इसके पूर्वी हिस्से को नाम दे दिया पूर्वी देशांतर और पश्चिम के तरफ के हिस्से को नाम दे दिया पश्चिमी देशांतर रेखाएं। यानी देशांतर रेखाओं से ये नॉर्थ और साउथ तो बनते हैं अक्षांश रेखाओं से लैटिट्यूड से, और जब ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम की हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर रेखा या पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। यानी देशांतर रेखाएं एक वृत्त को, हमारे जो पृथ्वी है उसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजन की बात आएगी तो उसके लिए देशांतर रेखाएं उत्तरदायी है, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के लिए हमारी अक्षांश रेखाएं उत्तरदायी हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हमारे सामने बन के आ गया ग्रिड जाल। अगर हम इसी के अंदर साथ के साथ अक्षांश रेखाओं को भी अगर दर्शा दिया जाता है तो हमारे पास में इस तरह का एक जाल बन के आ जाता है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं के मिलने वाले बिंदु का अपना एक निश्चित मान होगा, और वो जो मान होगा वही उस स्थान का लोकेशन बताने का एब्सोल्यूट तरीका होगा, या बिल्कुल हम कहेंगे निरपेक्ष तरीका होगा। उस जगह के अलावा कहीं पर भी वो अक्षांश और वो देशांतर रेखाओं कहीं पर भी मिलन संभव ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 40 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट की लोकेशन बतानी है। 40 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट किसके साथ लगता है, देशांतर रेखाओं के साथ, और 40 नॉर्थ और साउथ किसके साथ लगेगा, अक्षांश डिग्री के साथ, अक्षांश के साथ में, ये ध्यान रखिए। और पहले हमेशा अक्षांश रेखाएं लिखी जाती है, देशांतर रेखाएं बाद में लिखी जाती है। 40 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा जीरो है, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर बढ़ना है, ठीक है, हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। अगर हमारे पास में रेखाएं खींची हुई है ये 45 है तो 40 इससे नीचे की तरफ वाला हमारा
40 होगा, तो ये हमने मार्क कर दिया 40 डिग्री नॉर्थ। दूसरा क्या है इसके अंदर, 20 डिग्री ईस्ट, ये हमारा जीरो है, इसके पास से जा रहा होगा, ये हमारा हो गया 20 डिग्री ईस्ट। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये 40 डिग्री यहां से जा रहा था, ये 20 डिग्री यहां से जा रहा है, ये जो बिंदु हमारे सामने आ गया, ये बिंदु लोकेशन हो गया 40 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट। इसके अलावा ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज, किसी भी दूसरी जगह की लोकेशन ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्थ और साउथ के साथ जुड़े हुए होंगे उनकी वैल्यू कभी भी 90 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं 90 तक होती हैं। ठीक ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट की संख्या कभी भी 180 से ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, हम उसके साथ ना तो नॉर्थ साउथ लिखते हैं ना ईस्ट वेस्ट लिखते हैं। ठीक ऐसे ही हम 180 डिग्री के देशांतर के साथ में ईस्ट और वेस्ट दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा जाता, वो कॉमन लाइन होती है हमारी, एक ही लाइन। तो बेसिक चीजें अक्षांश और देशांतर, हाँ देशांतर रेखा होगी, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, फटाफट हम उसको कवर कर लेते हैं। देशांतर रेखा एक बिंदु से स्टार्ट होती है और एक बिंदु पर खत्म होंगी। दूसरी चीज, जब एक बिंदु से शुरू होकर किसी भी गोल चीज पर एक बिंदु से शुरू होकर एक बिंदु पर खत्म होती है तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में मैक्सिमम दूरी जो होगी वो इस बीच वाली लाइन पर होगी, और ये बीच वाली लाइन कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी रखती है देशांतर रेखाएं, और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर आपस में मिल जाती हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे पूछेंगे, वो कौन सी रेखाएं हैं जिनके मध्य की दूरी आपस में बदलती रहती है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, या कोई भी नहीं, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं जनरली, और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मध्य की दूरी वाले कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। अब हम बात करते हैं कि इन एंगल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो एंगुलर डिस्टेंस या जो कोणीय दूरी की हम बात कर रहे थे उनको, उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हमने वही एक ग्रिड जो है वो लिया है, उस ग्रिड को जब हमने स्लाइस अप किया, जब हमने उसको काटा तो हमने अंदर से क्या देखा, ये उसका केंद्र है, ये ग्लोब है, ग्लोब में ये बीच का केंद्र है, तो उसी तरह से ये केंद्र है। इस केंद्र से इस तरह से एंगुलर डिस्टेंस नापी जाती है। सपोज ये हमारा 0 डिग्री वाली रेखा थी, ये दिख रही है आपको यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ, तो ये लाइन हमारी 0 डिग्री वाली रेखा है, कौन सी लाइन है, ये हमारी ये वाली। और हम रेखा से रहे, इस रेखा से 50 डिग्री अगर हम इस तरफ का कोण लेना चाहते हैं तो कैसे होगा, इसके ऊपर से हमने 50 डिग्री यानी यहाँ से हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया और उसको देख लिया, और 50 डिग्री तो यहाँ शो किया गया है, बाकी 10-10 के गैप से आप मर्जी आए अपने डिस्टेंस यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं, ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा ये वाली हमारी है, इससे जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम इस एंगल से बनाते हैं कोण बनाते हैं, तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे ही एंगल बनता रहेगा, और इसी तरह से ये एंगुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो ये हमारा हो गया कि लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशन जो है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपको दिखाया गया है, जिसमें सारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखाया गया है, साथ ही कि किस तरह से 0 डिग्री की देशांतर रेखा और 0 डिग्री की अक्षांश रेखा अलग अलग गोलार्धों में इसको विभाजित कर रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं एक्सरसाइज कर लें इससे रिलेटेड, तो एक्सरसाइज में ये इसी मैप के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या लिया हमने क्वेश्चन हमारा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर को बताने वाली लोकेशन कहाँ होगी। सिंपल हमसे पूछ रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट, तो सबसे पहले हम इस ग्लोब को अलग अलग गोलार्धों में विभाजित कर लेते हैं ताकि लोकेट करना इजी हो जाए। ये हमारा गोलार्ध बना था, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये नॉर्थ, ये पूरा का पूरा साउथ, ये पूरा का पूरा ईस्ट,
और ये पूरा का पूरा हमारा हो गया वेस्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया हमारा साउथ वेस्ट, और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। लोकेशंस क्लियर? पूछा क्या है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? ये रहा, यानी हमारी लोकेशन जो आएगी वो इस गोलार्ध में आएगी। सीधे से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये इसके अंदर क्या पूछा था? 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है लैटिट्यूड्स के लिए, इससे 20 डिग्री की तरफ हम जाते हैं, ये हमारा 20 डिग्री, ये लाइन, तो इस लाइन के ऊपर हमारी लोकेशन है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। तो फिर आगे क्या बताया उसने? आगे बताया है 60 डिग्री ईस्ट, यानी ये हमारा जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इस 0 डिग्री वाली लाइन से आगे हम ईस्ट की तरफ आएंगे, तो 20 40 60, 60 वाली लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है उसको देखिए, तो ये 60 की लाइन है, ये 20 की लाइन है, जहां पर ये दोनों लाइन कटेंगी वो पॉइंट हमारा उसका लोकेशन होगा, क्लियर। इसी में एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 सॉरी 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री साउथ ये 0 डिग्री, इससे 20 डिग्री नीचे, यानी कि ये 20 डिग्री की लाइन, इससे आप ईस्ट, ईस्ट की बात है तो ईस्ट में 20 डिग्री की लाइन, ये दोनों जा मिलेंगी, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा लोकेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बार बार आएंगे। अब हम सीधे बात करते हैं भारत और भारत की लोकेशन के बारे में। तो भारत की जो एब्सोल्यूट लोकेशन, एब्सोल्यूट का मतलब वही हो गया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इसकी लोकेशन, जिसकी लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ, पहले मैं एक बात और बता देना चाहूँगी यहाँ पे, ये जो डिग्रीज में हम बांट रहे हैं, हमने जिस तरह से इसको बांट दिया, यहाँ 0 डिग्री लिख दिया और फिर उसके बाद में हम कह रहे हैं यहाँ 10 डिग्री की एक लाइन और बना दी हमने, तो ऐसा नहीं है कि 0 के बाद सीधे 10 डिग्री आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करते हुए डिग्रीज ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन 0 और 1 डिग्री के बीच में भी क्या कोई और आते हैं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब मध्य रेखा के आसपास 110 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि 110 किलोमीटर के बीच के जितने भी पॉइंट होंगे हम उनको, उनकी लोकेशन को नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इसलिए डिग्रीज को हमने और छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित किया है और वो है मिनट्स। डिग्रीज को हम किस में बांटते हैं? मिनट्स। 1 डिग्री में मिनट होते हैं वो ही 60, जैसे 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, वैसे 1 डिग्री में मिनट होते हैं 60, और मिनट्स को भी फिर हमने और डिवाइड कर दिया और वो हो गया सेकेंड्स। तो इसी तरह से मिनट, मिनट के बाद में सेकंड, तो डिग्री, डिग्री को हमने बांटा मिनट, मिनट को हमने बांटा सेकंड्स में, तो आपके आपके पास जितनी एक्यूरेट लोकेशंस आती जाएंगी आपको मिनट्स और सेकंड्स में वो नाम, वो माप जो है वो दिखेंगे। तो सीधे हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में। भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है। नॉर्थ, नॉर्थ आते ही मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाओं, अक्षांश रेखा मतलब आप उधर देखें ये 0 डिग्री है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये जो पहला 10 डिग्री वाली जो लाइन थी इससे नीचे, यानी 10 डिग्री वाली लाइन से थोड़ी सी नीचे, और इससे कहाँ तक? 37 तक, तो ये जो 37 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 38 वाली जो लाइन होगी ये, तो भारत की लोकेशन जो है वो 8 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में हो सकती है, लेकिन ये पूरे के पूरे एक रेंज है, ये कहीं पर भी हो सकती है। तो फिर और एक्यूरेट आते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि 68 मिनट इससे 68 डिग्री इधर और उसके बाद में 97 तक, तो 68 जो था वो यहाँ से लेकर के 97 यहाँ तक, तो भारत जो है वो इस एंगल, इस बीच के पार्ट के अंदर लोकेटेड है, ये इंडिया, ठीक है। एब्सोल्यूट लोकेशन जो हो गई वो भारत की हो गई। इस मैप में अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, कुछ लोग इसको 8.4 डिग्री लिख देते हैं, जो गलत है, जो गलत है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा,
8.4 डिग्री नहीं लिखेंगे, आप इसको 8 डिग्री 4 मिनट लिखेंगे, क्योंकि आपके 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और पॉइंट लगाने में आप उसको 100 मान लेते हैं, इसलिए उसमें नहीं जाए। आप यही याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इस 68.7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, ये इसकी हो गई लोकेशन। लोकेशन में अब आप देखें कि इसका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट बराबर है, हालांकि गैप है। ये 3214 किलोमीटर है, जबकि इसका ईस्ट वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर है। इसका पूरा एरिया, पूरा जो इसका क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है। आप देखें, भारत को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो लगभग बीच में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जो हम सबको पता है कि वो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके ऊपर से अगर हम देखें तो भारत की स्थलीय सीमा आती है, और इसके नीचे से अगर हम देखें तो भारत की जलीय सीमा बनती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, जिसको हम लैंड फ्रंटियर बोलते हैं, वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है, जबकि इसकी जलीय सीमा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर। तो ये हो गया भारत के बारे में, इसकी एब्सोल्यूट लोकेशन के बारे में आज का ये लेक्चर। अब इसके हम रिलेटिव लोकेशन और उसकी वजह से इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो हम हमारे नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लें जो अब तक इस चैप्टर में पूछे जाते हैं अक्सर। पहली चीज़, भारत का नॉर्थ साउथ डायमेंशन और ईस्ट वेस्ट डायमेंशन, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में इसकी स्थिति को पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किलोमीटर्स के अंदर इसका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायमेंशन पूछा जाता है, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तीसरी चीज़, इसकी फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर यानी कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में इसके फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। चौथी चीज़, वो कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग बीच में से काटती है, वो हमने यहाँ पर बता दिया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री को। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो इसके एब्सोल्यूट लोकेशन से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे इसके रिलेटिव लोकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। थैंक यू।